हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे LIZ वर्सेस EV की टीमों के बीच में जो फैनकोड ECS साइपर T10 का सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को हम इस वीडियो में डेप्थ के साथ एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो रहेगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर चेक कर लेना। इस मैच का वेन्यू रहेगा यप्पी सोन्स क्रिकेट ग्राउंड लिमासोल में। यह मुकाबला आज दोपहर 1 बजे स्टार्ट होगा। अगर बात की जाए दोस्तों पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट है, और इस विकेट के ऊपर एक्स्ट्रा स्पोर्ट है वो पेसर गेंदबाजों को मिलता है। ओवर स्कोर की बात की जाए तो 110 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकती हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस मैच की जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल सदस्य रहेगा, आफ्टर टॉस व लाइनअप के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल की 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एवं हेल्पफुल रहेगा। जो भी हमारी फाइनल समोर लीग की टीम रहेगी, मेगा कॉन्टेस्ट GL टीम के कॉम्बिनेशन रहेंगे। साथ साथ दोस्तों ECS T10 मैचेज होते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं रहता, लेकिन ऑफिशियल साइट से हम आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विकेट सेक्शन में। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विकेट सेक्शन में, मोहम्मद उजैफ है नंबर 4 या नंबर 5 पे आपको बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। एक और पिक रहेगी इस मैच में मोलिक की टीम में, आप जरूर से कवर करके चला, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके लिए एक रिस्क की पिक रहेगी, क्योंकि श्याम पंडित है, उनका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहता है। तो श्याम पंडित को तो आप सीधा सीधा अपनी टीम से ड्रॉप करके चल सकती हो। बात की जाए दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, अली जावेद शाह कंटिन्यू आपको ओपन में बैटिंग करवा के दे रहे हैं, प्लस आपको दौर की कंफर्म बॉलिंग करवा के दे रहे हैं, और इस प्लेयर का फॉर्म भी काफी अच्छा चला है। इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हो। बिमल राणा बट भी दोस्तों आपको ओपन में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, और इस प्लेयर का भी फॉर्म इस सीजन अच्छा रहा है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हो। उमेश शाह भी आपको ओपन में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, और जीवन लसमल भी आपको ओपन में बैटिंग करवाते हुए नजर आ देंगे। हालांकि दोस्तों जीवन लक्ष्मण है वो पार्ट टाइम बॉलिंग डाल के देते हैं, लेकिन इन चारों प्लेयरों का फॉर्म काफी अच्छा चला है, और चारों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, जरूर से कवर करके इतना। शायद जिया को आप ड्रॉप करने का रिस्क अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकती हूँ। एस छेत्री का भी बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहेगा, तो ओनली GL ट्राई करके इतना दोस्तों। समोली की टीम में आप ड्रॉप करने का रिस्क अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए तो दोस्तों अर्जुन साहिल है नंबर 5 पे बैटिंग प्लस आपको बॉलिंग दोनों करवाते हुए नजर आ जाएंगे, और इस प्लेयर का फॉर्म भी अच्छा चला है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके चला। सलमान खान है नंबर 4 पे बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, तो दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, अर्जुन साहिल और सलमान खान दोनों को कवर करके चल सकते हो। एम खान की बात की जाए तो दोस्तों ये एक और पिक आपके लिए इस मैच में रहेगी, स्मॉल और ग्रैंडिक दोनों में आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हो। वहीं बात की जाए सोहिल अख्तर की, तो ये आपको नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे समोलिक में VC और GL के कॉम्बिनेशन में आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हो। वहीं बात की जाए सुयान खान की, तो लास्ट मुकाबले में दोस्तों इस प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं रहा, लेकिन उससे पहले आपको कंटिन्यू काफी अच्छा परफॉर्मेंस करवा के दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, समोलिक में जरूर से ट्राई करके चल सकती हूँ, एक मेरी रिस्की पिक रहेगी। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे सेफ जाना चाहो तो एम खान को अपनी टीम में कवर करके चलाऊ चल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं वन साइडेड विन या फिर वन साइडेड लॉस करना चाहूंगा, तो इस कंडीशन में एस खान को अपनी समोली की टीम में मैं कवर करके चलाऊ। राम जायसवाल का बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहता है, तो राम जायसवाल को तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, साथ साथ इस प्लेयर का बॉलिंग ऑर्डर भी कन्फर्म नहीं रहेगा, कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग आपको एक से फिर या दो ओवर की बॉलिंग है वो मिडिल के ओवरों में डाल के दे सकते हो, तो ओनली GL ट्राई करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में अन्य प्लेयर आपके लिए रिस्की रहेंगे, ड्रॉप करके चल लेना। बात की जाए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, भुवन खत्री होगा साथ साथ एम हुसैन,
दोनों आपको दो दो ओवर की कन्फर्म बॉलिंग करवा के देंगे और दोनों का फॉर्म भी काफी अच्छा चला है, तो भुवन खत्री और एम हुसैन दोनों को कवर करके चल सकती हूँ। एसुल्ला की बात कीजिए तो दोस्तों इस मैच में एक रिस्क की पिक रहेगी, ड्रॉप करके चल सकती हूँ। एफ मोहम्मद को भी ड्रॉप करके, इतना के बसंत को भी ड्रॉप करके चल सकती हूँ। वहीं बाकी दोस्तों नीचे देखो तो इतनी अच्छी पिक नहीं मिलेगी। तीन प्लेयर है, इन तीनों प्लेयरों को ना तो बैटिंग का मौका मिलता है ना बॉलिंग का मौका मिलता है, तो इन तीनों प्लेयरों को तो आप सीधा सीधा अपनी टीम से ड्रॉप करके चल सकती हूँ। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के दो इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइनल टीम, फाइनल सजेशन, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हर अपडेट आपके साथ यहां पर शेयर की जाएगी, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फिलहाल के लिए दोस्तों जावेद अली शाह को कैप्टन वाइस कैप्टन है, वो बसंत राणा भट्ट को ट्राई करके जाऊँ। उमेश शाह भी आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की। जीवन लसमल को आप स्मॉलिंग में वीसी और जीएल के कॉमन इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। अर्जुन सोहिल समोरिंग में भी इसी जरूर से ट्राई करके चल लेना दोस्तों, लेकिन इनका थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहेगा, लेकिन बॉलिंग आपको कंफर्म दो ओवर की डालती हुई नजर आ जाएंगी। बाकी दोस्तों टीम प्रीव्यू की बात कीजिए तो दोस्तों देखो तो ये हमारा फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है। जो भी फाइनल टीम रहेगा वो रहेगा टॉस के ऊपर निर्भर, और टॉस के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की दो इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।